الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما زل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى تو صاحب کے ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمان دی جتے نیوی پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلاماں دی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد ثاقب ربانی صاحب مسجد خطیب حضرت مولانا محمد رمضان صاحب حافظہ اللہ تعالی علماء طلباء سامعین محترم بھائی فضیلت الشیخ محمد راشد سلیم صاحب اور میرے تو قبل خطاب فرما رہے سن خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد یوسف ربانی صاحب محترم بھائی محمد یونس ربانی صاحب ساڑھے بھائی محمد ساجد صاحب جن 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 بھائیاں جو جو محنت محبت کوشش کیتی ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے جتنے بزرگ بیمار نے اللہ پاک مکمل تندرستی دے ساڑھے بابا جی عبدالقدیر صاحب انہوں اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گھر اندر اسپتالہ اندر جتنے بیمار لیٹے نے رب العالمین اپنی رحمتنا تمام بیمارن کلی شفا عطا فرمائے جو ساڑھے اپنے پیارے فوت ہو گئے ماما بہنا بیٹیاں بزرگ اللہ پاک سبنا دے دراجات بلاند فرمائے آخرت دیا منزلہ آسان فرمائے ساؤنڈ والے بھائی ایکو بیس کٹ کر کے ڈبلنگ سادھی آواز کھولو ریپیٹ کٹا دیو تھرو ہندی وداؤ سپیکر صحیح کرو ساؤنڈ والے بھائی کی درخواست جلدی جلدی انہوں صحیح کرو فیصلہ بات تو ساڑے آئے ہوئے مہمان مرزا محمد یاسر صاحب البدر اسلامک سینٹر والے اللہ پاک انہ دی حاضری بھی قبول فرمائے
कुरान पाक दी एक एक आयत हक और सच है। एक एक आयत ते ईमान ले आना जरूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बात हदीस मुस्तफा एक एक हदीस भी हक और सच है। एक एक हदीस ते ईमान ले आना भी जरूरी है। प्यारे भाइयो जड़ा बंदा कुरान पाक दी एक आयत का इनकार करे इस्लाम तो फारग है। जड़ा बंदा नबी पाक दी एक हदीस का इनकार करे वो भी हदीस तो फारग इस्लाम तो फारग। कुरान पाक ते ईमान ले आना भी जरूरी है ते नबी पाक दी हदीस ते ईमान ले आना भी। कुरान और हदीस इन दोनों बातें इस मजमूए का नाम शरीयत है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला ने बयान कर दे एक कुरान दूजा नबी पाक का फरमान जिहड़ा दोवां ते अमल करता है हदायत और सिराते मुस्तकीम ते वे जिहड़ा दोवां चों एक नूं छोड़ देंदा है खुदा दी कसम वो बंदा गुमराह है। प्यारे भाईओ कुराने पाक ते ईमान ले आना एक एक बात एक एक आयत नू हक सच मनना जरूरी है। इसे तरह नबी पाक दी जबान जो बातां जड़ियां निकलियां ने एक एक बात नू हक और सच मनना जरूरी है। कुरान भी वही ते नबी पाक दी हदीस भी वही। कुरान भी हक और सच ते नबी पाक दियां बातां भी हक और सच। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला नो बयान करते ने आप दी एक एक बात लिखिया कर दे। बाज लोगां कहा हर गल ना लिखो कोई लिखण वाली कोई नहीं लिखण वाली। हजरत अब्दुल्ला नबी पाक को लाए आके लोगां दा इतराज दसे आप फरमांदे ने उक्तबिया अब्दुल्ला इंज उंगली दा इशारा अपने होंठां दी तरफ करके आका फरमांदे ने मैनू कसम है रब्बे जुल जलाल दी जिंदे कब्जा कुदरत अंदर मेरी जान है मेरी एक एक गल लिखिया कर मेरी जबान ते सिवाए हक और सच दे और कुछ भी जारी नहीं हुंदा। कुरान भी हक और सच प्यारे आका दियां बातां भी। अल्लाह जाने तुसी कदों जागोगे। 12 बजन वाले ने तुहाडे 10 बजे 12 बज गए गोडे छड़ दियो मेरी तरफ वेखो 12 बजे तो पहले पहले मैं तकरीर मुका देनी है। एक बारी जिहड़ी गुजारिश कर दित्ती दोबारा दोबारा इक्को गल ते नहीं मैं रहना अगे तुर पैना है। ध्यान मेरी तरफ करो सवेरे इना कहा जे सानू समझ नहीं आई तकरीर उत्तों लंघ के सीधी बारों बार बाईपास चली जाए तो तुसी सारे थले आ जाओ। प्यारे भाईओ कुरान भी हक और सच नबी पाक दी बात भी। सवेरे गली बाजार कोई बंदा तुहानू पुछे ओ सानू तो पता ही नहीं की बयान होया फिर कोई फायदा नहीं बहन दा तकलीफ करन। खुदा दी कसम आका फरमांदे ने या अल्लाह जिहड़ा बंदा मेरी हदीस सुने फिर उन्हें याद करके अगे बयान करे उन्हां दे चेहरियां नू हमेशा तरो ताजा रख। इस जज्बे ना बहो कि जड़ियां आज गल्लां रबानी साहब को सुनिया ते मेहमान को अतीक को सुनिया गल्लां सवेरे गली बाजारां दे अंदर करे खवातीन दे अगे इंशाल्लाह गल्लां जाके असी सुनानियां ने कहो इंशाल्लाह। ते बाकी कन्ना दे चस्कियां जुस्कियां वास्ते ना बया करो तुहाडी मेहरबानी। खुदा दी कसम कई सैल्फियां लैंदे ने जफियां पांदे ने साडे नाल मौलाना 150-150 तुहाडी तकरीर रखी है नमाज एक नहीं पढ़दे की फायदा तकरीरां 150-150 मोबाइल अंदर रखण दा। चेहरे ते सुन्नत रसूल कोई नहीं। ब्याहां शादियां तो तुसीं अपनी मर्जी करदे हो दावा तुहाडा मौलवियां नाल यारी दा है। खुदा दी कसम जिहड़ा उत्तों होर पिछों होर रब दी कसम वो बंदा मुनाफक हुंदा जे मोमन उत्तों भी पाक ते विचों भी। मेहरबानी इंज दे दीवाने ते यारियां तो असी रजे जे यारी दोस्ती लानी है मुहब्बत करनी है सैल्फियां लैनियां ने तकरीरां मोबाइल फिर कोई अमल वाले पासे भी आओ। अमल कदों करोगे दसंबर च या हुणे ही। खुदा दी कसम मोमन बंदा ओ हुंदा है इधर कुरान सुने हदीस सुने नहीं पता अल्लाह मुआफ करे जो पता लग जावे हदीस मुस्तफा दा समझना वाताना इंशाल्लाह फौरन अमल करांगे कहो इंशाल्लाह।
ਭੰਗੀ ਚਰਸੀ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਵੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚਰਸ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸਿਗਟਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋ 2 ਦਿਨ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਚਿਲਮ ਧਰ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਉਹ ਧਰ ਦਿੰਦਾ ਅੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੂਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਰਮ ਵੀ ਕਰ ਦੇ ਉਹ ਗਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੂਏ ਬਾਜ਼ ਕੋਲ 10 ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਜੂਆ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਤੁਰ ਪੈਣ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਭੰਗੀ ਚਰਸੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਦਰਸ ਜਲਸੇ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਰੰਗ ਚੜਨਾ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਗ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਈਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੇ ਉਲਮਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੱਕ ਹੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੁਛਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਉਤੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਵਲ ਤਨਜ਼ੁਰ ਨਫਸੁ ਮਾ ਕਦਮਤ ਲੇਗਾ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਸ਼ਿਯੂਖ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਨਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 50,000 ਸਾਲ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਜੇ 30-35 ਨੂੰ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚਿਆ 50,000 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਦਾਨੇ ਮਾਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 50,000 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸਪਰੇ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਕਣਕ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਮੱਕੀ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ 1400 ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 1450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ 43-44-45 ਸਾਲ 1450 ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਚਲੋ 1450 ਸਾਲ ਵੀ ਲਾਓ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਹੋਏ 1450 ਸਾਲ ਤੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ 50,000 ਨਹੀਂ 1450 ਤੇ ਥੋੜੇ ਨੇ 50,000 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਦੇ ਸੋਚੇ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ 50,000 ਸਾਲ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਸਲੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਰੰਜ ਗਮ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਤਕਰੀਰ ਟੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਜਲਸਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈਓ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਾਂ ਜੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਲਸਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਕਰੀਰ ਟੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਜਾਣਾ ਸੀ ਰੱਬ ਕੋਲ ਡਰ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਡਰ ਜਾਓ ਪਹਿਲੇ ਨੀਅਤ ਤੇ ਹੋਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਐਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਨ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਏ ਮੌਤ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਜੋ ਸਹੀ ਉਲ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਹਦੀਸ ਮੁਸਤਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸ ਮਜਮੂਏ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਦਾਵਤ ਪੈਗਾਮ ਮਨਹਜ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕੀਆ ਨਾ ਲੜਾਈ ਨਾ ਝਗੜਾ ਨਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਐਵੇਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੀਬਤ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕੀਆ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਜ਼ਵਾ ਤਬੂਕ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੁਸਲਸਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਿਆਬੀ ਆਂਦਾ ਹੈ 5 ਵਸਕ ਖਜੂਰਾਂ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨੇ 5 ਵਸਕ ਵਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ
दूजा आंदा छे वसक होएगा, तीसरा पैगंबर दा गुलाम आंदा सात वसक। आका फरमांदे ने साथियो जे रब ने चाहिया इंशाअल्लाह ए खजूरां दा वजन दस वसक होएगा। किन्ना होएगा? दस वसक। एक वसक अंदर कई मण हुंदे ने, दस वसक वजन होएगा। आका फरमांदे ने इस बाग दी जिहड़ी मालका बीबी औरत है ना, उहनू कहो खजूरां दा ए फल तोड़ के इहदा वजन करे वापसी ते असीं पुछणा है। गजवा तबूक तू वापसी उत्ते आए, आका फरमांदे ने साथियों फल तोड़ लिया गया जी सोहणियो। फरमाया पुछोगा किन्ना होया? बीबी आंदी है सोहणियो खुदा दी कसम जिहड़ी गल तुसां फरमाई पूरा दस वसक वजन होया। एक खजूर वधी भी नहीं, एक खजूर घटी भी नहीं। असी उस हस्ती का कलमा पढ़िया जिन्हे मूह अल्फाज निकल जान खुदा की कसम कदी भी गलत होए। इतने बाबे आंदे ने आलू इन्ने होणगे किले चो, मक्की इन्नी होएगी, कमाद इन्ना, 50 मण गंदम होएगी वह 38 मण होंगी, ये कह 40 मन होने कि 46 मन होंगी है। गुजर मझ दे हवाने वेख के कह 8 किलो दुध सवेरे 8 किलो शाम, जो व्यापारी लै जाता तो घरे जाता 4 किलो सवेरे 4 किलो सवेरे शाम। मेनवा अन्न लफज बा लफज साड़ियां गल्लां कदे ठीक होईयां कदे वध जांदी कदे घट जांदी है। इत्थे कई बाबे आंदे ने लोहे ते लकीरे ऐ पत्थर ते, खुदा दी कसम सब गप्पां जे लोहे ते लकीर पत्थर ते लकीर बाद इक्को ही हस्ती दी है, उंदा नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी तुहाड़ी हरफे आखर गल नहीं, हरफे आखर बात आमीना दे लाल दिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरियां तुहाड़ियां बातां नूं चैलेंज कीता जा सकदा है? खुदा दी कसम रब दे आखरी रसूल दी जबान चों जिहड़ी गल निकल जाए उहनूं चैलेंज दी भी गुंजाइश है। जिहड़ा शक करेगा ईमान तों फारग है। नबी पाक दियां बातां ते मुनाफिक शक करदे ने, मोमन कदी भी मोमन शक नहीं करदे, मुनाफिक शक करदे ने। ते जिहड़े शक करदे ने बंदा की है? बुखारी जे तबूक दे मैदान अंदर आका पहुंचे, फरमाया अज रात सारे खेमियां दे अंदर बह जाओ, लम्मे पै जाओ, कोई बंदा अज रात उठ के खड़ा ना होवे, उठ के खड़ा ना होवे। क्यों? अज रात तेज हवा नेर चलेगा। अद्धी रात नूं एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, तुहानूं पता है हुजूर दे काफलियां दे अंदर मुनाफिक भी तो शामिल हुंदे सन। उठ के खड़ा हो गया ते जदों नबी पाक दीयां बातां ते शक आई फिर ईमान रहिंदा आंदा आका फरमांदे से नेर चल पिया। सहाबा खेमे अंदर लम्मे पए, ऊंटां दी ओट अंदर बह गए, लुक गए, छुप गए, लम्मे पै गए, एक खड़ा हो गया आंदा कोई नेर नूर नहीं। खुदा दी कसम बुखारी अंदर लिखे है एक तेज हवा दा झोंका आया, तबूक दे चटियल मैदाना चो चुकिया ते जबले तै जाके सुटिया। उस बंदे दा अंजाम है जिन्हें नबी पाक दियां बातां ते शक कीती। मुहद्दिसी नांदे ने ए कोई 650-700 मील दा सफर बनदा है जिथे हवा ने उहनूं चुक के सुटिया। जिहड़ा आका दियां बातां ते शक करे दुनिया अंदर जलीलो रुसवा ते आखरत नूं भी रुसवा है। जिवें कुरान दियां आयतां इंज नबी पाक दियां बातां। एक होर हदीस सुन लो सही मुस्लिम जी, प्यारे आका सहाबा समेत अपनी अपनी सवारियां ते बह के मदीने आ रहे, उठ घोड़े का सफर है हजरात या पैदल, ते तेज हवा हनेर चल पिया, इतनी तेज आंधी। सहाबा बयान करते असि इंज सवारियां तू थले डिगन लगे हैं, नीचे गिरन लगे। प्यारे आका ने इत्थे खबर बयान की, आका फरमांदे ने साथियो तेज हवा मदीने दे एक मुनाफक दी मौत दी खबर लेके आई है। मदीने दे एक मुनाफक फौत हो गया। टेलीफोन दा दौर नहीं कि किसे हुजूर नूं फोन कर दिता हो, नहीं, गड्डियां मोटरां जहाजां दा भी दौर नहीं। हुण रस्ते अंदर प्यारे आका ने जिहड़ी गल कीती, खुदा दी कसम सहाबा मदीने पहुंच के तहकीक कीती, वाकिया एक मुनाफक फौत हो चुकिया है। और प्यारे भाई हुण गल समझण वाली है, ऐ आका खबरां बयान करन जिहड़ी गल करन गल सच्ची हुंदी है।
खुदा दी कसम नबुव्वत दियां सच्चियां दलीलां जे आका दा बातां करना बातां दा सच साबत होना इस बात दी दलील है कि आप रब दे सच्चे और आखरी नबी बन के आए ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरी गुजारिश आप गैब नहीं जानते गैब ते गैब दे खजाने दी चाबियां रब को प्यारे आका वही दे पाबंद नबी वही दियां तीन किस्म अल्लाह पाक जिब्राइल दे जरिए पैगाम भेज दें या अपने नबियां ते इल्हाम कर दें या रब्बुल आलमीन कोई ख्वाब आए नबियां नू खुदा दी कसम ख्वाब भी वही होया कर दी इल्हाम भी वही ख्वाब भी वही ते जिब्राइल दे जरिए पैगाम आए ए भी वही हुजूर गैब नहीं जानते वही दे पाबंद नबी कुरान भी वही ते हदीस मुस्तफा भी दलील की है फरमाया वन्नजम इज़ा हवा किते कोई औखी गल ते ने मैं शुरू करके बह गया जागदे ही हो सौखी सौखी तकरीर है मेरी तरफ देखना वन्नजम इज़ा हवा मांजल्ला साहिबकुम बमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयू कसमा चुक चुक के फरमा रहे ने आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिराते मुस्तकीम ते ने नबी पाक हदायत और जन्नत दे रस्ते ते ने कुरान आंदा है आमीना दे लाल अपनी मर्जी नाल नहीं जे बोल दे बल्कि कुरान आंदा इन हुआ इल्ला वाहयू पाबंद नबी अल्लाह पाक दे आर्डर दे पाबंद नबी ने उंदे रुतबे न कोई तोले उंदे रुतबे न कोई तोले उंदी किड़ा रीस करे जिंदे लबा उते रब बोले और जिंदे लबा उते रब बोले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक दी वही और आर्डर नाल बोलते ने ते जदों बोलते ने मोती रोलदे कुरान भी वही हदीसे मुस्तफा भी वही कुरान भी हक और सच नबी पाक दी हदीस भी हक और सच दलील की है हजरात सैयद बुखारी पढ़न लगा वा आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बैठियां बैठियां आका रोन लग पे रोंदियां रोंदियां खबर बयान कीती इमाम कायनात फरमांदे ने साथियो जेड़ा मदीने ओ मुल्के शाम इस्लामी लश्कर जिहाद वास्ते गया है इस लश्कर दे पहले सिपा सलार उन्हां दा नाम ज़ैद बिन हारिस है रसी अल्लाह ताला नो मैं जंगे मूता दी गल करन लगा मुल्के शाम अंदर एक जगह जिंदा नाम मूता इथे जड़ी जंग हुई इनू जंगे मूता गज़वा मूता कहा जाता है आका फरमाते ने जंगे मूता अंदर लड़दियां लड़दियां इस्लामी लश्कर दा पहला सिपा सलार जिंदा नाम ज़ैद बिन हारिस है ज़ैद शहीद हो गए ने रज़ी अल्लाह ताला नो 101 वाले हो मैनू अल्लाह पाक दी इज्जत दी कसम है मुहद्दिसीन आंदे ने ऊंट घोड़े या पैदल सफर है मुल्के शाम तो मदीने खबर पहुंचाने लई एक महीना लग जांदा है उधर ज़ैद शहीद होया फौरन मेरे पाक पैगंबर लाइव खबरां बयान करी जांदे ए नबुव्वत दियां सच्चियां दलील आका फरमांदे ने साथियो मेरा ज़ैद शहीद हो गया है हुण मेरे चाचे दा पुत्तर जिंदा नाम जाफर तैयार कौर रज़ी अल्लाह रसी अल्लाह ताला नो जाफर तैयार सिपा सलार बन गए ने थोड़ी देर गुजरी आका फरमांदे ने परवाने हो मेरे चाचे दा पुत्र जाफर तैयार भी शहीद हो गया रसी अल्लाह ताला नो हुण तीजे नंबर ते अब्दुल्ला बिन रवाहा
ए नबी पाक दे सहाबी ने रजी अल्लाह तआला नो फरमाया तीजे नंबर ते अब्दुल्ला बिन रवाहा से पासलार बन गए। फिर थोड़ी देर गुजरी आका फरमांदे ने परवाने हो अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो गए ने। हुण चौथे नंबर ते अल्लाह पाक दियां तलवारां विचों एक तलवार जिहनूं सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद कहा जांदा है खालिद बिन वलीद दे हाथ उत्ते अल्लाह पाक ने इस्लामी लश्कर नूं कामयाबियां अता कर दित्तियां ने। सही बुखारी जे मैं रवायत सुना के तुहानूं पूछना चाहना जिहड़ा गज़वा मुल्के शाम अंदर हो रहा है मेरे आका लाइव खबरां बयान करी जांदे किवें ला महला ईमान मजबूत करना पैना है। इन हुवा इल्ला वहयू पाबंद नबी ने अल्लाह पाक अपने नबी नु खबरां दस रहे है हुजूर फिर अपने यारां सजना अंदर बयान करी जांदे हजरात कुरान भी हक और सच ते हदीसे मुस्तफा भी अजे समझ नहीं आई एक होर हदीस सुन लो सही मुस्लिम दे मेरे आका बैठे ने आका फरमांदे ने साथियो उठ के खड़े हो जाओ सफा सिद्धियां कर लो हबशे दा बादशाह नजाशी फौत हो गया है आओ जरा नजाशी दी गैबाना नमाजे जनाजा पढ़िए साडे मुजाहिदीन भरावां नूं मसला पुछो ना ए गैबाना नमाजे जनाजा जायज है। हर मेरा बुजुर्ग आंदा ए हदीस सुना के नजाशी दी गैबाना नमाज़े जनाजा नबी पाक ने मदीने पढ़ी आपने पढ़ी ये लिहाजा जायज है। अब प्यारे ओ गल सुनया जे नजाशी फौत हबशे अंदर होया गैबाना नमाज़े जनाजा नबी पाक ने मदीने पढ़ाई आपनु खबरां फौरन उसे दिन नबी पाक ने खबरां दित्तियां किवें मैनु रब दी कसम है मुहद्दिसीन आंदे ने हबशे तू मदीने दा महीने डेढ़ दा पैदल सफर है लेकिन उसे दिन नबी पाक ने खबरां बयान कीतियां इन हुआ इला वाहयू कुरान भी वही ते नबी पाक दी हदीस भी बोलो कुरान भी हक और सच ते नबी पाक दियां बातां भी हबशे दा बादशाह नजाशी हजरत जाफर त्यार रजी अल्लाह तआला नो मक्यो हिजरत करके हबशे गए ने चंद साथी भी नाल ने उत्थे मौका मिलिया रब दे कुरान सूरह मरियम पढ़िए चंद कुराने पाक दे और मुकाम पढ़े नजाशी बादशाह नाले रोई जांदे ते नाले कलमा पढ़ के मुसलमान हो जांदे। इत्थे एक गल और भी सुनिया जे जिन्हें नबी पाक दा कलमा पढ़िया ते आका दी ज़ियारत कीती ओ सहाबा सहाबा तेरा बने जहन्नम दी अग हराम कर दिती है हालत ईमान अंदर जेड़ा सहाबा ना मुलाकात करे ओनू ताबी किया जांदा है ताबीन ते भी जहन्नम दी अग हराम। कुछ लोग इंज दे भी ने जिन्हें नबी पाक दा कलमा भी पढ़िया है आप दा दौर भी पाया लेकिन मर्जी अल्लाह पाक दी नबी पाक ना मुलाकात नहीं कर सके तवज्जो है हुजूर दा कलमा भी पढ़िया है आप दा दौर भी पाया लेकिन नबी पाक ना मुलाकात आप दी ज़ियारत नहीं कर सके। इंज दे लोकां दी तादाद 28 28 बंदे कुल 28 बंदे ऐसे ने जिन्ना मेरे पाक पैगंबर दा कलमा पढ़िया है दौर भी पाया लेकिन मुलाकात नसीब अंदर नहीं इन्हां अंदर सरे फरिश्ता हबशे दा बादशाह नजाशी है रहमतुल्लाह अलैह। ए नजाशी जदू फौत होया नबी पाक ने मदीने दियां वफात दियां खबरां दित्तियां ने ते फौरन नमाजे जनाजा गैबाना नमाजे जनाजा पढ़ाई खुदा दी कसम लोगो आप दा खबरां बयान करना खबरां दा सच साबित होना ए नबुव्वत दियां सच्चियां दलीलां
असानू ईमान मजबूत करना पैना है। इन हुवा इल्ला वहयू कोई गल ते मैं दलायल दे रहा, कुरान भी हक और सच ते नबी पाक दियां बातां भी जो आप फरमा दिन बात सच्ची, आप दी बात कदी भी गलत हो सकती। हजरत एक और दलील सुनो सही मुस्लिम जे, मेरे पाक पैगंबर एक दिन अपने यारां दे अंदर खबरां बयान कर रहे, आका फरमांदे ने साथियों अन करीबे काफला यमन तू चलदा चलदा मदीने आएगा। इस काफले अंदर बड़े बड़े लोग आणगे। मैं मुस्लिम दी हदीस पढ़न लगा, तवज्जो ना सुनिया जे। नबी पाक फरमांदे ने पशीन कोई खबर, एक काफला यमन तू मदीने आएगा, उस काफले अंदर बड़े बड़े लोग आणगे। एक बंदा जिंदा नाम अवैस बिन आमर करनी होएगा। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਸਹਾਬਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਵੈਸ ਕਰਨੀ ਮਦੀਨੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਥੀਓ पूरे जिस्म तो बरस दी बीमारी दे निशान मुक जाएंगे। पूरे जिस्म दे एक दिरमो दिनार दे बराबर छोटा जा एक निशान बाकी रहेगा। उंदी मां भी जिंदा होएगी, अपनी अम्मी दा खिदमत गुजार होएगा। ओ बंदा जदों मदीने आए तुहाडे विचों किसे नाल मुलाकात हो जाए, तुसा अपने लिए उंदे कोलों दुआए मगफरत करवा लिया जे, उंदी दुआ रब कबूल करके तुहाडी जिंदगी दे गुनाहां नूं मुआफ करेगा। ऐ खबरां नबी पाक ने बयान कीतियां। आमीना दे लाल दुनिया तू तशरीफ लै गए, अजे खबर पूरी नहीं हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक दा दौर है, रसी अल्लाह ताला नो अजे भी खबरां पूरियां नहीं होईयां। अबू बकर भी दुनिया तू तुर गए, कदे ए भी बैके सोचे आई बाकी कितनी जिंदगी रह गई है। कुल मन अलैहा फान वाली गल जेन तेरे तो ले गई है। ओ इंज कोठियां यार बनाईया ने, नाले बिल्डिंगा खूब सजाईया ने, इंज लता यार जमाईया ने, जिवें सनद जीवन दी ले लईए। लापरवाही बेपरवाही छड़ दे, कोई पता नहीं जिंदगी दी शाम किस मोड़ ते पै जाए। इधर मेरी तरफ ध्यान करे जे, अबू बकर आए दुनिया तू चले गए रसी अल्लाह ताला नो। हजरत उमर इब्ने खताब दा दौर आया, चलदियां चलदियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बातां उमर दे दौर अंदर सच साबत होईयां, मेनवान पूरियां होईयां। किवें? मेरी तरफ वेखो, मैं वजाहत करां। उमर इब्ने खताब दा दौर, एक दिन एक काफला यमन तू मदीने आया, लोगां कहा सी अमीरुल मोमिनीन नूं मिलना है। एक बंदा दौड़ के आया, अमीरुल मोमिनीन यमनी लोग आए ने तुहाडे नाल मुलाकात करना चाहते ने। उमर इब्ने खताब ने यमन दा नाम सुनया, खुदा दी कसम ओ नबी पाक दियां बातां, ओ आप दी हदीस ज़हन अंदर दोबारा याद आ गई। फरमाया मैं मिला किते ओ गल्लां जिहड़ियां आका ने सानू फरमाईयां सन ओ ते नहीं पूरियां होण लगियां। ध्यान करिया जे, उमर इब्ने खताब उठ के जल्दी नाल काफले वालियां कोल गए, सलाम दुआ मिलके आंदे ने, तुहाडे अंदर कोई करण कबीले दे लोग भी आए ने? उन्हां के आए ने ऐ सामने उत्थे गए।
रावी भुल गया इथे। रावी आंदा है उमर इब्ने खताब दे ऊंट दी मुहार नकेल रस्सी वाग, समझदे हो ना, ओ वाग ते रस्सी नकेल जमीन ते गिर गई। एक बंदे ने पकड़ के अंज अमीरुल मोमिनीन नु फड़ाई। हुण अल्लाह जानदा है ऊंट उमर दा सी रजी अल्लाह तआला या उस बंदे दा, या ओंदे ऊंट दी मुहार गिरी ते हजरत उमर ने चुक के फड़ाई। एक दूजे नु मुहार पकड़ांदे आ इत्थे तारफ होया। उमर फरमांदे ने जवाना तेरा की ना है? ते आंदा अमीरुल मोमिनीन मैं यमन तू आया, मेरा नाम अवैस बिन आमर, लोग मैनू अवैस करनी कहिंदे ने। ते खुदा दी कसम उमर दियां आही निकल गईयां ओ नबी पाक दियां बातां हरफन हरफन पूरियां हो रहियां। एक काफला यमन तू मदीने आएगा, उमर दे दौर अंदर आ गया, लोग करनी आन गए ओ भी आ गए। एक बंदा जिंदा नाम अवैस करनी होएगा, उंदे नाल मुलाकात भी हो गई। ते उमर फरमांदे ने बाकी गल्लां दी टो दे अंदर ए किवें पूरियां होंदियां जरा तहकीक करा। पुछिया अवैस क्या तेनू कोई बरस दी बीमारी लगी सी या नहीं? अवैस करनी आंदे ने अमीरुल मोमिनीन जी मैनू बरस दी बीमारी लगी, पूरा जिस्म बरस दी बीमारी अंदर मुबतला हो गया। फरमाया फिर की बनया? आंदा अमीरुल मोमिनीन जी मैं अल्लाह पाक अगे दुआ कीती, अल्लाह पाक ने मैनू शिफावां अता कर दित्तियां ने, बरस दी बीमारी दे निशान मुक गए। उमर वेंदे ने पे कोई निशान नजर नहीं आया, ते दिल अंदर सोचिया दिमाग अंदर ज़हन गल आई। आमीना दे लाल ने फरमाया सी अवैस दे पूरे जिस्म ते एक दिरमो दिनार दे बराबर एक निशान बाकी रहेगा। जरा पुछदे ने है या कोई ना, जरा दिल नु सुकून होए। उमर पुछदे ने अवैस प्यारिया तेरे जिस्म दे कोई निशान बाकी है या कोई ना बरस दी बीमारी दा? फरमाया अमीरुल मोमिनीन मेरे पेट दे ऊपर नाफ दे करीब एक दिरमो दिनार दे बराबर छोटा जा निशान अजे भी बाकी है। उमर फरमांदे ने भी गल पूरी, अवैस तेरी मां दा की बनया? फरमाया मेरी मां जी हुंदी है, मैं अपनी अम्मी दा खिदमत गुजार। आका ने फरमाया सी उंदी मां भी जीउंदी होएगी। उमर फरमांदे ने तेरी अम्मी दा की हाल? फरमाया जीउंदी है। खुदा दी कसम उमर दियां हिचकियां निकल गईयां। फरमांदे ने अवैस मेरे लिए दुआ कर दे, रब मेरी जिंदगी दे गुनाहां नूं माफ कर दे। 101 वालेओ मैनू रब दी कसम है, पुछो मेरे उलमा नू अवैस करनी नू आ जितनियां शानां मिलियां अम्मी दी खिदमत दी वजह नाल मिलियां ने, मां दी खिदमत दी वजह नाल मिलियां। रवायत अंदर आउंदा है अवैस करनी दो तीन मर्तबा नबी पाक नूं मुलाकात लई मदीने आया। मेरे आका किते गजवे सफर लई मदीने उंबार गए, मुलाकात ना हो सकी। एक दिन पैगाम आया, सुनियो अवैस करनी दा पैगाम है कि मेरी मां बीमार है, अम्मी नूं छड़ के आया नहीं जांदा, ते मैं तुहाडे नाल मुलाकात करना चाहना, जिंदगी दा कोई पता नहीं कदों मुक जाए। महबूबा तुहाडी ज़ियारत करना चाहना, ते मां कल्ली है बीमार है, इनू छड़ के आया भी नहीं जांदा, हुक्म फरमाओ की करां? मेरे आका ने ए नहीं फरमाया अम्मी नूं छड़ दे मेरे कोल, ना ना। आका फरमांदे ने अवैस अपनी अम्मी दी लगातार खिदमत करदा रहो, ते गल मुलाकात दी है परेशान नहीं होना। जे दुनिया अंदर मुलाकात ना ही होई परेशान नहीं ना होवी, कल कयामत नूं मैं जन्नत दे बूहे ते अवैस मैं मुहम्मद तेरा इंतजार करा।
इत्थे मुलाकात ना ही हो सकी ते कोई गल नहीं, परेशान नहीं होना। जन्नत दे दरवाजे ते मुलाकात रब ने चाहिया ते जरूर हो जाएगी। हजरात मैं अर्ज करना चाहना, अवैस करनी नु जितनियां शाना मिलियां ने अम्मी दी खिदमत दी वजह नाल, इत्थे मैं दुआ करा जिन्हां दियां जी हुंदियां ने रब खिदमत दी तौफीक देवे, ते जिन्हां दियां तुर गईयां रब आखरत दियां मंजिलां आसान करे। आमीन कहो। जे डर गई है कबर अंदर वीरियामा नहीं ओ लबनी ओ प्यारे मां, नहीं ओ लबनी एहो जी मिठी ते ठंडी किते भी छां, नहीं ओ लबनी ओ प्यारे मां, नहीं ओ लबनी जदू दुनिया ठुकराएगी तेनो माया आएगी, तू कबर ते बै रोएगा अगों पेरहा, नहीं ओ लबनी अवीरियामा नहीं ओ लबनी, रुलावेंगा सतावेंगा जे दिल मांदा दुखावेंगा, गमा तू सर छुपावण लई किधरे पीछा, नहीं ओ लबनी अवीरियामा। एक बारी पढ़ो खा रब्बी रहम हो मां, पढ़ लो मां वरगा जगते कोई नहीं होर मियां, नहीं ते पूछ उना नो जेड़े बैठे ने मां टोर मियां। एक नबी पाक दी सियासी है जिंदा नाम उम्मे कैस रजी अल्लाह ताला अन्हा, छोटा जिहा बच्चा दुध पींदा फौत हो गया ते मां दी ममता नहीं रहा गया, बच्चे नू गुसल दे रहे ने लोग, बीबी बोल के आंदी गुसल देने वालो मेरे बच्चे नू किते ठंडे पानी नाल गुसल दे के बीमारी ना कर दे, अजे एक सौ एक वाले हो, खुदा दी कसम मां दी ममता नहीं रहा गया। अचानक मुंह लफ्ज निकल गए, लोग आख्या नी माए ठंडा पानी इत्थे फौत हो गया, मैयत ते मैयत नू गुसल दे रहे हैं, ये बीमार इन्हें बीमार की होने ते फौत हो गए, ते रो के कहन लगी खुदा दी कसम मैनू याद ही नहीं, मेरे मुंह अचानक लफ्ज निकल गए ने, मां पुत्र दी जुदाई अंदर इतनी गम सदा, मां वाली मीम अंदर औलाद दा दुख दर्द हुंदा है, औलाद दे जिस्म ते ठंडा पानी गिरे अम्मी बर्दाश्त नहीं करदी, कंडा चुबे अम्मी बर्दाश्त, ते उस मां दा की बनया होना जिंदी सिर्फ सत दिन दी बेटी नू जालम ने पांच फायर मार के कतल कर दिया। कई आंदे ने ओ मां भी फौत हो गई, कई आंदे ने मां फौत नहीं होई लेकिन होण वाली बन गई है, उस मां दे दिल ते क्या गुजरी होएगी जिंदी मासूम सिर्फ सत दिन दी बेटी नू पांच फायर मारे। खुदा दी कसम मक्के दे मुशरक ते सिर्फ जिंदा जमीन अंदर गड़ दे ए काफरां नाल उपदे पए ने, हाय मेरे अल्लाह। और लोगों केड़ा मुंह लैके रब दी अदालत अंदर जाना है। मैं अर्ज कर रहा मां नूं औलाद दे दुख बर्दाश्त नहीं, सिर्फ दो जुमले सुनो गल लगे तोरिए, मां वरगा जग ते कोई नहीं होर मियां, नहीं ते पुछ उना नूं जेड़े बैठे ने मावां टोर मियां, मां मरे ते पुत्तर कल्ले हो जांदे कई वेखे ने रो रो छले हो जांदे, है खुश किस्मत मापे जिनां दे कोल मियां,
नहीं ते पूछो उनानो जेड़े बैठे ने मावा टोर मिया मां मरे ते लाके कोई नहीं बैंदाए मावा बाजू लुक लुक रोना पैंदाए लंघ दिए बाकी सारी जिंदगी बोर मिया खुदा दी कसम मैं एक वीडियो देखी एक भैंस मझ वो किते हराम हो गई ते छोटा जिहा हुंदा बच्चा कोई चंद दिन दा वीडियो बनाने वाले ने अखीर कर दिती खुदा दी कसम ओ ना अपना चेहरा अपनी मां दी गर्दन ते जिस्म ते रखदा है ते इतने इतने मोटे आंसू उस बच्चे दे अखां चों ओ कटी या कट्टा है छोटा चंद दिनां दा ओदी अखां चों आंसू गिर रहे ते उहने उत्ते लिखिया सी मां मां हुंदी भावे जानवर दी होए या अल्लाह जिन्हां दीआं जीउंदीआं ने तंदरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे दे आमीन को उमर फरमांदे ने अवैस तेरी मां दा क्या बणिया अवैस कहन लगे अमीरुल मोमिनीन मेरी मां जीउंदी है मैं अपनी अम्मी दा खिदमत गुजार हां उमर फरमांदे ने यार फिर जल्दी कर मेरे लिए दुआ कर दे रब मेरी जिंदगी दे गुनाह मुआफ कर देवे मुस्लिम अंदर लिखे है अवैस करनी फरमान लगे अमीरुल मोमिनीन तुसा नबी पाक दे सहाबी हो तुहाडियां शाना बड़िया ने मैनू कही जांदे हो पता लगा उमर सहाबी ने रजी अल्लाह ताला नो अवैस सहाबी नहीं ताबी ने राहिम अल्लाह ताला हजरत उमर फरमांदे ने अवैस गल सुन लै एक और खबर नबी पाक ने जड़ी दित्ती फरमाया अवैस सानू नबी पाक ने तेरे मुतलक खबरां दित्तियां सारियां खबरां पूरियां होईयां एक गल आका ने और फरमाई सी खुदा दी कसम ताबेईन दी जमात विचों बेहतरीन बंदा उंदा नाम अवैस करनी है ताबेईन दी जमात विचों बेहतरीन ताबी ते बेहतरीन बंदा उंदा नाम अवैस करनी है रहमतुल्लाह अलैह ईमानदारी नाल तुसी दसो जेनू नबी पाक बेहतरीन कह देन उंदी कामयाबी अंदर कोई शक है वे हजरात शाना अम्मी दी खिदमत दी वजह नाल मिलियां उमर फरमांदे ने यार ये सारियां तेरियां आंदियां खबरां निशानियां अपने तौर अंदर नबी पाक फरमा गए अज उह सारियां गल्लां पूरियां हो गईयां ने आका दियां बातां उंज ने जिवें कुरान दियां तां सारियां बातां सच साबत होईयां ने मेरे लई दुआ कर दे अवैस करनी ने दुआ कीती है मैं पूरी रवायत सुणा के तुहानू पुछणा चाहना मेरे पाक पैगंबर ने जिहड़ियां गल्लां अपने दौर अंदर बयान कीतियां वो खबरां उमर दे दौर अंदर पूरियां होईयां खुदा दी कसम आप दियां बातां दा सच साबत होना ए नबूवत दियां सच्चियां दलीलां के आप रब दे सच्चे नबी ने ते दूजा ला महाला ईमान मजबूत करना पैणा है इन हुवा इल्ला वहयू आखरी गल बुखारी चू सुन लो एक गल ज़हन नशीन कर लो सुबह तुसी कहना जेड़ा विहाड़ी तू ताले बिलम आया इक्को ही मसले ते उन्हें बड़े दलाल दिते ने काफी हदीसा सुनाइया कि नबी पाक दी एक एक गल सच्ची है एक एक गल इंजे जिवें कुरान दियां ता कुरान अंदर भी शक नहीं ते नबी पाक दियां बातां दे अंदर शक भी नहीं कुरान भी वही ते हदीस मुस्तफा भी मैं जानना निके निके न्याणियां नूं भी अज दी गल याद हो जाए खुदा दी कसम साडे जमात दा मनहज दावत ते साडा पैगाम जे एही गली गली असीं कहिंदे फिरने आ आका दियां बातां इंज ने जिवें कुरान दियां आयतां आखरी गल बुखारी चों सुणावां मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने मेरी बेटी फातिमा नूं बुलाओ फातिमा आ गईआं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आका फरमांदे ने बेटीए मैं तेरा अब्बा दुनिया तू जा रहा मेरे आका खबर बयान कर रहे ने ये खबर किवें पूरी होई वेखिया जे सुनिया जे आका दियां बातां एक एक गल सच्ची है आका फरमांदे बेटीए मैं तेरे अप्पू ने रब दी मुलाकात नूं पसंद कर लिया हुण मैं दुनिया छोड़ के चलां वां
ते बेटी फातिमा रोन लग पई। आका फरमांदे ने बेटी हौसला कर, मेरे बाद मेरे खानदान विचों सब तू पहला जन्नत अंदर तू मेरे नाल आके मुलाकात करेंगी। दो गल्ला बुखारी अंदर मेरे उलमा बैठे ने, मैं एक एक अपनी गल दा हवाले दा जिम्मेदार हां। रबीउल अव्वल दी 12 दिन सोमवार दा ए, हजरात जदों ऊंट दे बच्चे दे पौं जलदे ने, मेरे पाक पैगंबर दुनिया तू तशरीफ ले गए, पहली खबर पूरी हो गई, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबले गिर रसूलो अफाइमाताउ कुतिलन कलब तुम अला आका बिकुम वमैयन कलिब अला आकी बई है फलई यसुर अल्लाह शैया वासा या जज़िल्ला हुशा केरी। रबीउल अव्वल दी 12 अम्मी आयशा दी गोद नबी पाक दुनिया तू तशरीफ लै गए। अम्मी आयशा ने हुजरे विचों मस्जिद दे नबी अंदर आवाज मारी, नबी पाक दे ओ यारो हुजूर दुनिया ते नहीं रहे। सहाबा दियां डीकरां निकल गईयां, हजरात मदीने अंदर खबर फैल गई, मदीने अंदर कियामत सुगरा बरपा हो जांदी है। एक बकरियां दा छेड़ू बकरियां लै के मदीनियों निकलदा पिया है, कदे डिगदा कदे खड़ा हुंदा कदे डिग पैंदा ते कदे खड़ा हुंदा है। हजरत अबू बकर दियां नजरां पईयां रज़ी अल्लाह तआला, ओ भतीजिया की गल है क्यों डिगना ठुड्डे खा रहे हैं? ए रो के आंदा चाचा क्या तुहानू नहीं पता आमीना दे लाल सानू यतीम कर गए ने, आमीना दे लाल दुनिया तो तुर गए। अबू बकर दिया आही निकलियां बुखारी च लिखे है, सिद्धे हुजर अपनी बेटी दे हुजरे अंदर आए, नबी पाक दे सर चेहरे मुबारक ते यमनी धारीदार चादर दिती है, चेहरे तो कपड़ा हटाया मत्था चुमया ते अबू बकर रो के कहिंदा की ए टुट गया लक मेरा के आ सिद्दीक ने दिती जुदाई मैनू सोने रफीक ने, आन के डिठा लेटे नबी शफीक ने, ता चुम लिया चेहरा पाक ताई कहिंदा सिद्दीक रो रो के कहिंदा सिद्दीक पहला मैं मर जावंदा दुख हबीब वाला मैं थी जरिया नहीं जामदा नबी मुहम्मद मेरी कबर ते आमदा हुंदी आसानी मेरे ताई। नबी पाक ने जिंदगी दे आखरी 14 दिन बीमारी अंदर किवें गुजारे, ए मुकम्मल रहलत मुस्तफा ते नबी पाक दा सफर आखरत फिर कदे बयान करांगे, लेकिन अज मैं जिहड़ी गुजारिश करना चाहना, आका ने बेटी नूं कहा मैं चलना वा, खुदा दी कसम जिहड़े अल्फाज निकले रबीउल अव्वल दी 12 नूं पूरे हो गए, अली पाक रो रहे, हसनैन रो रहे, हजरत अबू बकर रो रहे, उमर रो रहे, बिलाल गलियां दे अंदर डिगदा फिरदा है, कहिंदा बिलाल रातां कालियां आईयां ने, तुर गया सोना पईयां लंबियां जुदाईयां ने, जिन्हां दी खातर मैं मारां खाईयां ने, ओ चन्न दिसदा नहीं। जानवर रो रहे, खुदा दी कसम नबी पाक दी ऊंटनियां रो रहीयां, सहाबा रो रहे, हुण तुसीं एक मिनट लई सोचिया जे मेरी आखरी गल है, सक्की बेटी फातिमा दा क्या बनया होएगा? आका दे कुल 3 पुत्र 4 धीआं 7 बच्चे 3 बेटे 3 बेटियां आप दी जिंदगी अंदर दुनिया तू चले गए, 6 बच्चे फौत हो गए ने, कोई बेटी फातिमा जी हुंदी है। जदों नबी पाक दुनिया तो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा बोल के दसो सक्की धी दा क्या बनदा होएगा? ए 2-3 दिन पहला ना मंगल वाले दिन सोमवार नूं फौत होया, मंगल नूं सोमवार नूं जनाजा सी, मेरा ड्राइवर है अब्दुल हफीज, उनका वड्डा भरा 33-34 साल उम्र, छोटे छोटे 2 बेटे 2 बेटियां 4 बच्चे ने, कोई 10-15-20 दिन बीमार रहा फौत हो गया,
मैं इन्हू क्या कर लिया छुट्टियां कोई गल नहीं कहिंदा नहीं जी चलो दुआ दे बहाने मैं तुहाडे नाल जाना ते मैनू कह रहा सी जिस दिन जनाजा होया शाम नू अगले दिन सुबह सुबह सब तू जिहड़ा छोटा बच्चा कोई तीन चार साल का अढ़ाई साल का रो के आंदा मैनू मेरा आपू चाहीदा मेरा आपू मैनू लिहा के दियो खुदा दी कसम 101 वाले उस जुमले अंदर किन्ना दर्द है चाचे रिश्तेदार दादा जी बह दे के शह खा लो वरारे ने उनू खुश कर रहे ने सीने ना ला रहे ने बच्चा आंदा मैनू कुछ नहीं चाहीदा मैनू मेरा आपू लिहा के दियो खुदा दी कसम इत्थे बंदा बेबस हो जांदा है दौलतां कम नहीं आउंदियां सियासतां कम नहीं आउंदियां कुर्सियां कम नहीं आउंदियां जिहड़ा दुनिया तू जा रहा है जान वाला एक लम्मे वास्ते भी रुक सकदा बोलो असी ते गुनाहगार आ खताकार आ हजरात मेरी तरफ एक साढ़े बाप दादे दी इतनी शान कोई नहीं खुदा दी कसम असी ते नबी पाक दे पैरां दी खाक दा मुकाबला भी नहीं कर सकते ते मैनू दसो फातिमा दा बाबा ते बड़ियां शाना वाला है जो पूरी कायनात दा सरदार इतनियां शाना वाला बाबा जदों दुनिया तो तुर गया होएगा बेटी दे दिल ते की गुजरी होएगी मेरे उलामा बैठे सिक्के बंद रवायत सही रवायत अंदर आउंदा है 6 महीने बेटी फातिमा अबू दे बाद जीउंदियां रहियां ने एक दिन भी हसियां नहीं रो रो के अबू नू याद करदियां रहिंदियां टुर गए बाप मुहब्बतां वाले ते लै गए नाल हासे दिल नहीं लगदा मोहम्मद बख्शा हुण जाइए केड़े पासे बाप सिरांदे ताज ने हुंदे ते वीर मरन कंड खाली मावां बाज मोहम्मद बख्शा ते कौन करे रखवाली शाम पई अते दीगर वेला अते पंछी घरां नू आए ओ नहीं आंदे मोहम्मद बख्शा ते मौत जिनानू ले जाए आउंदियां चेते जदों वफावां बाप दियां अथरू निकलन वेख रावां बाप दियां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आउंदियां चेते जदों वफावां बाप दियां अथरों निकलन वेख के रावां बाप दियां बाप कदी भी हिम्मत टुटण देंदा नहीं बाप कदी भी हिम्मत टुटण देंदा नहीं रहिंदा सिर ते ओ कदी भी डिगण देंदा नहीं कंड नहीं लगण देंदियां बावां बाप दियां अथरू निकलन वेख के रावां कदे कदे अम्मी अबू दी कबर ते चले जाया करो जिन्हां दे तुर गए खुदा दी कसम सालां दे साल गुजर गए साडे कोल फुरसत ही नहीं टाइम ही कोई नहीं सकी मां दी कबर अबू दी कबर ते जाके कह दईए रब फिर ली वाले वाले दईया या अल्लाह मैनू भी मुआफ कर दे ते मेरे मां बाप नू भी मुआफ कर दे प्यारे हो कदे कदे चले जाया करो मां बाप की कबर ते कह दिया करो जायज 6 महीने गुजर गए सैयदा फातिमा
अपने बाबा ना मुलाकात की। बुखारी की रवायत मुक गई। मैं अर्ज करना चाहना, आका ने दो गल्लां फरमाईयां, बेटी ये फातिमा मैं तेरा बाबा दुनिया तू जा रहा। बेटी रोन लग पई, फरमाया ना रो, मेरे बाद मेरे खानदान जो सब तू पहला जन्नत अंदर तू मुलाकात करेंगे। एक रवायत अंदर आंदा है, इत्थे सवाल पैदा होंदा है, रिश्तेदार नेक अगर सारे नेक ने फौत हो जान उत्थे मुलाकातां होण गईयां, जदों जन्नत अंदर जाना है खुदा दी कसम तीजे चौथे नंबर ते जिहड़ी रब ने नेमत करनी है यही होनी है, या अल्लाह रिश्तेदारां नाल मिलना चाहने आ, रब फौरन रिश्तेदारां नाल मुलाकात करवा दे। एक रवायत अंदर आंदा है, अम्मी आशा दा सक्का परा अब्दुल रहमान मक्के किसे गार अंदर लम्मे पै रात दिन नूं आराम करन लई ते लम्मे पै उठे ही नहीं, फौत हो। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। टेलीफोन मोबाइलां दा दौर नहीं, अम्मी आयशा नूं पता ही नहीं, जनाजा पढ़ के दफन कर दिता गया। कई दिन बाद अम्मी आयशा नूं पता लगा, ते फिर जदों मक्के आईयां ते आंदियां लोगो मैनू मेरे भरा दी कबर ते लै चलो। औरतां कदी कदी जान जायज कसरत नाल नहीं। अम्मी आयशा अपने सके भरा दी कबर ते रो रहियां, बड़ियां गल्लां कीतियां ने। खुदा दी कसम अम्मी आयशा दा दुख मेरे कोल नहीं जे सुनाया जाना, एक गल सुन लो। अम्मा जान रो के आंदियां ने, वीरा रब तेरे दरजात बुलंद करे। अब्बू दे साया शफकत अंदर इको बेड़े अंदर कठे रहे आ, कठे खाने खाने कठे दिन रात वक्त गुजारना। फिर जवान होया, ए मेरे अवीरा तू अज सानू छोड़ के चला गया है, इंज लगदा है जिवें एक दिन एक लम्हा भी असी कठियां गुजारे आई नहीं, इंज लगदा जिवें मुद्दतां गुजर गईयां। वीरे असी तुर जाने कहानियां रह जानी है, बस दो तीन दिन बाद ज्यादा प्यारे तीन दिन रो लैण। ते जिहड़े यारी दोस्ती दा दावा कर अक्सर किसी ने जनाजे अंदर आउणा ही नहीं, मसरूफियत बड़ी है, जे आए ते उहना सिद्धे ही जनाजगाह दे अंदर उत्थों ही पढ़ना है। खुदा दी कसम एक मिनट उत्ते हो जाए ते मौलवी नाल लो लड़ पैंदे ने, आंदे छेती कर जनाजा पढ़ा, साडे कोल टाइम नहीं, असी वापसी जाणा है। जे थोड़ा जा जनाजा लंबा हो जावे ते हाल दवाइयां पा देंदे ने। ओ वीरियो जो करना इत्थे असी खुद करके माल नेकियां नाल लेके जानियां ने। पिछलियां ते उम्मीदां छड़ दे, ये ना पता नहीं कबर ते आके दुआ भी करनी है कि नहीं, रब ही बेहतर जानदा। मैनू रब की कसम है हजारां सैकड़ां बंदे चंद बंदे कब्रस्तान नाल जांदे ने, टाइम ही कोई नहीं, लोगों को कब्रस्तान जांदे ही नहीं। जे चले जाण लोग मट्टी पा रहे, फेसबुक चला रहे, सिगरेट पी रहे, गप्पां मारी जांदे, जल्दी जल्दी कसियां नाल मट्टी पाओ ते चलो वापसी। मैनू अल्लाह पाक दी इज्जत दी कसम है, जितने हजारां यार सज्जना विच्चों कोई एक दो ओ भी बड़ी मुश्किल जिहड़े वोरा साह दे कोल एक अद्धी रात गुजारणगे, वरना इना ते कब्रस्तान तो जनाजा पढ़ के सीधे सीधे अपने घरां नूं ते कम्मां दे अंदर मसरूफ हो जाणा। फिर कोई इल्ला कलील जिहड़ा कब्र ते जाके कोई दुआ करे। प्यारे हो हाफज लखवी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह कह गए ने, हे आके हुक्म सारे मनो रब दे ते जिंदगी दे सार नहीं मुल लब दे, हे आके हुक्म सारे मनो रब दे जिंदगी दे सार नहीं मुल लब दे, मौतों बाद फिर तू पछतावना नेकियां कमा लो जिन्ना नाल जावना। अल्लाह पाक तुम जज़ा खैर दे। बुखारी दी रवायत, प्यारे आका ने पहले अपनी वफात की खबर बयान की, फिर बेटी फातिमा की वफात की खबर। जो आपने कहा मेनवा अन लफज ब लफज गल्लां पूरियां हो गई। मेरी तरफ देखो, अजे कोई 12-13 हदीसां होईयां ने जिहड़ी मैं तुहानूं सुनाईयां ने,
ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਾਵਾ ਸੌ ਹਤਰਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਡ ਆਕਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿਉਂ ਇਨ ਹੁਵਾ ਇਲਾ ਵਹਯੂ ਯੂਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵਹੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਨਬੂਵਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ दूसरी नबी पाक दी हदीस हजरात इस मजमूए दा नाम शरीयत है इंदे ते अमल करना दुनिया आखरत अंदर नजात है अल्लाह करे असी कुरान व हदीस ते सही माने अंदर अमल करन वाले बन जाइए एक टोला मुनकरीन हदीस दा आंदे ने की लोड़े जी हदीस दी कल्ला कुरान ही काफी है खुदा दी कसम आका ने फरमाया सी कुर्बे कियामत लोग मेरी हदीस का इनकार करेंगे एक बंदा इंज टेक ला के तकिए ना बैठा होएगा ते अगां नूं वड़ के कहेगा हदीस अपने कोल रखो सानूं हदीस दी कोई लोड़ नहीं कुरान कल्ला ही काफी है ते खुदा दी कसम ए मुनकरीने हदीस इंज दे कई आ गए ने ते कई आण वाले ने प्यारे भाईओ कुरान भी हक और सच हदीस मुस्तफा भी रब दी कसम कुराने पाक दी एक एक आयत ते ईमान जरूरी है वगरना नजात नहीं नबी पाक दी एक एक हदीस ते ईमान जरूरी है वगरना नजात नहीं अल्लाह पाक कुरान और हदीस ते अमल करन दी तौफीक दे जब तक जीवंदे रहांगे इंशाअल्लाह नबी पाक दे सहाबा दा भी दिफा खत्मे नबूवत दा भी दिफा और हदीस मुस्तफा दा भी दिफा हुंदा रहेगा कोई इंशाअल्लाह टाइम बड़ा हो गया है अल्लाह मेरी तुहाडी हाजरी कबूल फरमाए बुजुर्ग फरमा रहे ने फौज सुगान लई दुआ करो अल्लाह पाक मगफरत फरमाए दरजात बुलंद करे मौलाना हाफिज अब्दुर रऊफ यजदानी गुजरां वाले वो बीमार ने दुआ करो अल्लाह पाक मुकम्मल तंदुरुस्ती दे ते बड़े बड़े कई साढ़े बुजुर्ग तुर गए अल्लाह पाक आखरत दियां मंजिलां आसान करे ते जिहड़े बीमार ने अल्लाह पाक मुकम्मल तंदुरुस्ती दे बाबा जी अब्दुल कदीर साहब और मेरी मावां बहनां बेटियां सबना नूं अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे ए सफेद दाड़ियां वाले जिन्ने बाबे बैठे ने खुदा दी कसम अक्सर जलसियां ते बाबे नजर ही नहीं आउंदे ते तुहाडे पिंड अंदर अल्लाह पाक इन्हां नूं तंदुरुस्ती दे सफेद बालां दा हया इंजे जिवें अल्लाह पाक दा मैनू रब की इज्जत की कसम सिक्के बंद रवायत आका फरमाते ने जिहड़ा सफेद बालों वाले बुजुर्गों का हया नहीं करता वह साडे विचों ही नहीं इन्हां दा हया करो इज्जत करो इन्हां दी खिदमत करो कि रब उम्र अंदर भी बरकत पाएगा कारोबार अंदर भी बरकत पाएगा अल्लाह पाक बुजुर्गों को तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اذهب لباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا الله بیماروں کو شفا عطا فرما مقروض بندیاں دے قرضے دور فرما یا اللہ جو ساڈے اپنے پیارے فوت ہو گئے کسی دی امی ابو بہن بھائی جو جو تر گئے سبنا نو معاف کر کے درجات بلند کر دے یا اللہ اس مرکز نو کیا तक आबाद फरमा मौलाना रमजान साहब मौलाना साकब रब्बानी साहब या अल्लाह इन मेरे भाई बुजुर्गों की मेहनत दीनी खिदमत कबूल फरमा या अल्लाह भाई साजिद साहब दे रिज़्क़ कारोबार माल सेहत ईमान अंदर बरकत अता फरमा ऐ जितने मेरे भाई मेरिया बेटियां बहना जिथों तक आवाज जा रही सबना ते राजी हो जा या अल्लाह साडे मुल्क पाकिस्तान नूं अमनो सुकून दा गहवारा बना साडियां सरहदां बार्डरां दी हिफाजत फरमा साडी पाक फौज पाक आर्मी दी मदद फरमा आर्मी दे नौजवान सिक्योरिटी अदारे मुहाफिज अदारे सबना दी मदद फरमा या अल्लाह भाइयों की सलाह वास्ते जो चंद गल्लां कीतियां मेरे समेत सानू अमल करन वाला बना दे या अल्लाह जो कमियां कोताहियां दूर फरमा या अल्लाह सही माने अंदर तबलीग दा हक अदा ते नहीं हुंदा हजारां कमियां कोताहियां ने सानू मुआफ कर दे सौ वारी असा तौबा कीती 200 वारी बन्नी मुड़ मुड़े असा तौबा कर दे रब्बा साडी मन्नी या अल्लाह साडे ते राजी हो जा मगरब तू पहलां दे भाई यूनस
ਰੱਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਧਰ ਛੱਬੀ ਚੱਕ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਭਾਈ ਯੂਨਸ ਰੱਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਨ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਬੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨੇਕ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬਣਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸੱਚਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸੱਚਾ ਪੰਜ ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜਬ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਏ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਕਲਮਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜੈਸੀ ਅਜ਼ੀਮ ਮੌਤ ਕਲਮਾ ਤੌਹੀਦ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਹੁਮਾ ਕਮਾ ਰਬਿਯਾਨੀ ਸਗੀਰਾ ਰੱਬਨਾ ਤਕਬਲ ਮਿੰਨਾ ਇਨਕ ਅੰਤ ਸਮੀਉਰ ਅਲੀਮ ਵਤੁਬ ਅਲੀਨਾ ਇਨਕ ਅੰਤ ਤਵਾਬੁਰ ਰਹੀਮ ਵਸਲ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲਾ ਆਖਿਰ ਖਲਕਿਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਹਲ ਬੈਤਿਹੀ ਅਜਮਾਈਨ ਬਿਰਹਮਤਿਕ ਯਾ